more. अनमोल, उठो मत। क्या? चाबी का जोड़ा? रिलैक्स। लेकिन ये सब कैसे? परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। बताइए। अनमोल, हम कैसे बताएं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था हमारे साथ? बताइए क्या हुआ था हमारे साथ? अनमोल, जब हम यहाँ आए तो हमारी शादी हो रही थी। बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा ली। अगर आप समय पर नहीं आए होते तो हम तो कहीं के नहीं रहते। हमारी तो दुनिया उजड़ जाती। थैंक यू ऋषि, थैंक यू। नहीं अनमोल, तुमको हमने नहीं, ऊपर वाले ने बचाया है, इसीलिए थैंक यू। ऊपर वाले का करो। ये बिगड़ते मौसम का संकेत था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा था वो ईश्वर को भी मंजूर नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा रचना रचा। देखो ना, अचानक नीलम का तबीयत खराब हुआ और हमको वापस आना पड़ा। लेकिन हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना समझाने के बावजूद भी माँ ऐसा क्यों कर रही है। रुको अनमोल, अनमोल प्लीज, तुम माँ से कुछ मत कहना, उनसे हम अलग से बात करेंगे। किसने कहा हम माँ से कुछ कहने जा रहे हैं? हम तो नीलम से मिलने जा रहे हैं। अभी आपने बोला ना उसका तबीयत खराब है, हम उसको देख के आते हैं। कोई इतना निस्वार्थ कैसे हो सकता है? माँ और चाची इसके साथ इतना बुरा करने जा रही थी, और अनमोल है कि हमारे परिवार के लिए अच्छा सोचना बंद ही नहीं करती। कहाँ मिलती हैं आजकल ऐसी लड़कियां? बहुत अच्छी वन। अनु, तुम ठीक तो हो ना? जी दादी, हम ठीक हैं। नीलम, ये हल्दी वाला दूध पी लो, इससे तुमको राहत मिलेगा। नहीं अनमोल, हमको भी कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। कोई बहाना नहीं चलेगा। देखो, इसे नहीं पियोगी तो फिर ठीक कैसे होगी? उठो। अनमोल ठीक है, पी ले। आराम से, आराम से। खुद इतना कष्ट से कर भी ये दूसरों का कष्ट मिटा रही है, सचमुच ही अनमोल है। समझ में नहीं आता, माँ और चाची आपको इतना टॉर्चर क्यों करते हैं? ये घर क्या से क्या होता जा रहा है, किस और जा रहा है? माँ, 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 माँ
आपसे बात करना चाहते हैं। माँ, हमने आपसे कहा था ना कि अनमोल के डॉक्टर बनने तक वो यहाँ रहेगी और फिर वो चली जाएगी। हमारे इतना बोलने के बावजूद भी आप उसके खिलाफ क्या क्या करे जा रही हैं? क्यों माँ, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? कौन सा हम आप लोगों के खिलाफ जाकर अनमोल को अपना लिए हैं या फिर उसको अपनी पत्नी स्वीकार कर लिए हैं? तुम्हारे ऊपर ना अच्छा करने का भूत सवार हो गया है, पर फुर्सत मिले ना तो एक बार अपनी माँ के बारे में जरूर सोचना। हर माँ का सपना होता है कि अपना बेटा को शादी के घोड़ी पे बैठते देखना, अपने बेटा को अपने हाथ से दूल्हे का सेहरा बांधना, पर हमारे साथ क्या हुआ? हमारे इच्छाओं को तार तार कर दिया गया, हमारे बेटे को बंदूक के नोक पे रख के उसका शादी करा दिया गया। वो किससे? वो जोकर से, वो बौनी से। बोलो, हमारा गुस्सा जायज है कि नहीं? बोलो। माँ, आपका भावना हम समझते हैं, लेकिन जो हुआ उसको जितना याद करते रहेंगे उतना तकलीफ होता रहेगा, इसीलिए जो हुआ उसको एक दुर्घटना समझकर भूल जाइए। जैसे हर दुर्घटना एक जख्म देकर जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो जख्म भर जाता है, वक्त के साथ साथ ये जख्म भी भर जाएगा। इसको लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप जो सॉल्यूशन ट्राई कर रही हैं, जिस तरीका से हल निकालने की कोशिश कर रही हैं, वो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल उसका जरूरत नहीं है। अच्छा, और समाज का क्या? वो बौनी अगर हमारे घर में, तुम्हारे कमरा में इतना दिन रहेगी, तो कौन सा अच्छा परिवार का आदमी अपनी बेटी ब्याहेगा तुमसे? बोलो, है कोई जवाब? नहीं है ना? बस इसीलिए हमको चिंता है। जिससे हम तुमको एक नॉर्मल जिंदगी देना चाहते हैं। इस बौनी के साथ इतना दिन रहोगे ना तो समाज वाला तुमको जज करेगा। तुम समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? माँ, समाज जज करेगा तो करता रहेगा, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिंदगी भर कुंवारा रहेंगे, लेकिन अनमोल से किया हुआ वादा निभाएंगे। और अब की बार आपने उसके साथ कुछ भी गलत किया ना, तो उसके साथ साथ हम भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। घर चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। छोड़ के चले जाएंगे? पता नहीं वो बौनी असन कौन काला जादू की है कि हमारा बेटा हमसे कह रहा है घर छोड़ के चले जाएंगे। कौन है भाई? कौन इतना सुबह सुबह दरवाजा खटखटा रहा है? कर रहे हो? हमारे बीवी को लेने आए हम। अच्छा, कल हम इंतजाम करके रखे थे, सब कुछ हो गया था, अंतिम फेरा केवल लेना था, सो तो तुम ले नहीं पाए। और एक बार ऋषि ने दहाड़ का मारी कि दुम दबा के भाग निकले, और अब तुमको सुबह सुबह अपनी दुल्हनिया की याद आ गई। अब वो दुल्हनिया गई तुम्हारे हाथ से। अरे कौन हो तुम? एक तो ये बौना बौनी का शादी हो नहीं पाया, ऊपर से ये बौना अब हमारा पोल पट्टी खोलने के लिए आ गया। ये बौनी तो गले का हड्डी बन गई है, ना उगल पा रहे हैं
और ना ही निंगला जा रहा है। अरे ये बोरा कौन है? कार है? सुबह सुबह हमारे घर में आके काहे चिल्ला रहा है तू? अनमोल चाय हमारी शादी हो गई है। वो हमारी पत्नी है, हम उनको लेने के लिए आए। क्या कह रहे हैं? ये चुप, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अनमोल हमारी पत्नी, अनमोल से हमारा शादी हो गया है। चलो चलो अनमोल हमारे साथ। नहीं, कोई शादी नहीं हुआ है, सब फरेब है। चल भाग यहां से, भाग नहीं तो फुटबॉल की तरह मारकर यहां से बाहर कर देंगे। चल निकल, हट पीछे। ऋषि, आप डरो मत, अनमोल आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं हम। देख, हम तुझको आखिरी बार वार्निंग दे रहे हैं, निकल जा वरना चले जाएंगे, हमारी दुल्हन को लेके जाएंगे। अगर किसी ने जर रोका ना, खुद को खत्म कर लेंगे। अनमोल के सामने दफन हो जाएंगे, अपना मौत के जिम्मेदार हम सबको ठहराएंगे। ये चिट्ठी में सबके नाम लिखिए, सबको जिम्मेदार ठहराऊंगा मैं। देख, बहुत हुआ तेरा नाटक, चला जाए यहां से। आगे बता है? अब हमको बात करने दीजिए। अनमोल, उसके हाथ में चाकू है। मालूम है, एक बात, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। देखिए, हम आपका भावना को समझ सकते हैं। वो कहा है कि हम भी आप जैसे ही हैं, आप लाइए ये चाकू हमको दीजिए। सच जानकर भी झूठ काहे बोल रहे हैं? हमारा शादी पूरा नहीं हुआ है, और जो कुछ भी हुआ वो एक साजिश था। लेकिन हमारे पति ऋषि ने हमको बचा लिया। शादी सिर्फ एक बार ही होता है, और हमारा हो चुका है ऋषि से। वही हमारे पति हैं, उनका जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन हम आपको निराश नहीं होने देंगे। अब लाइए अपना हाथ आगे कीजिए, लाइए। आज से आप हमारे भाई और हम आपकी बहन। चलिए आइए, आइए भैया, हमारे साथ आइए। ना, तुमने बहुत गलत किया। हमने बिल्कुल सही किया है।
और हम हाथ जोड़ते हैं। आप यहाँ से जाइए और दोबारा कभी अपनी बहन को परेशान करने मत आना। हम तो चले जाएंगे। ये देख रहे ना, ये रास्ता तुमने चुना है ना, इस पे तुमको बहुत दुख होगा। तुमको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसा तुमने कहा वैसे तुम हमारी तरह हो, हमारी फीलिंग समझ सकती हो, उसी तरह तुम्हारी फीलिंग हम जैसा ही समझ सकता है। ये लोग नहीं, इनकी दुनिया हमसे बहुत अलग है। ये तुम्हारी कदर कभी नहीं कर पाएंगे। तुमने हमको भले ही भाई बना दिया, तुम अपना जिंदगी चैन से जीना चाहते हो, हम जैसा जीवन साथी बना लो, क्योंकि ऋषि और तुम्हारा कोई मेल नहीं है अनमोल। हम तुमको पहले भी कहे हैं कि तुम इस घर की बहू नहीं हो, लेकिन हाँ हमारी दोस्त जरूर हो, और डॉक्टर बनने में हम तुम्हारा ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब तुम ये मत मान लेना कि हम तुमको अपनी पत्नी स्वीकार कर लिए हैं। स्वीकार कर लिए, और सच बात तो यही है ना कि हम असल में पति पत्नी तो नहीं है ना, पत्नी तो नहीं है ना, पत्नी तो नहीं है ना। आपने जो कहा हम उससे अनजान नहीं है, और आगे का चुनौती भी हमको पता है, लेकिन हम अपनी तकदीर से लड़ने का फैसला लिए हैं और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हम दुनिया के आगे सिर्फ इसलिए नहीं झुकेंगे कि हमारा शरीर का ऊंचाई दूसरों से कम है, हम अपना मेहनत और लगन से एक नया ऊंचाई गढ़ेंगे, एक नया मुकाम हासिल करेंगे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, कभी हमारी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। हमको आपसे कुछ कहना है, आप ऋषि की माँ है तो हमारी भी माँ हुई ना, इसलिए बेटी के नाते कहेंगे। ये माँ बेटी का राग आलापना बंद करो, और हमारे कोख से ना बौना बौनी पैदा नहीं हो सकता है। और जब भी हमसे बात करो ना तो सर झुका के बात करो, उसमें हमारी क्या गलती है। वो तो भगवान ने हमको ऐसा बनाया कि हम जिससे भी बात करेंगे सर उठा के करेंगे। और अगर कोई हमसे बात करेगा वो सर झुकाना पड़ेगा उसको। फालतू बकवास नहीं करो। माफ कीजिएगा अगर आपको हमारी बात का बुरा लगा हो, तो हम बस इतना कहेंगे कि आप जो कर रही हैं ठीक नहीं है। आपका कोई भी साजिश हमको ऋषि से अलग नहीं कर सकता। वो पति है हमारे, आपने कितना प्रयास किया हमको ऋषि से अलग करने का, लेकिन आप हर बार असफल ही रही, और आपको बार बार ऐसे हारता देख हमको अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम वादा करते हैं कि डॉक्टरी में सिलेक्शन होने के बाद हम यहाँ से खुद चले जाएंगे। तुम तो ना एकदम घुन्ना सांप निकली। एक तरफ कहती हो कि डॉक्टर बनने के बाद हम ऋषि को छोड़ देंगे, और दूसरी तरफ हमको लॉलीपॉप दिखा रही हो कि ऋषि हमारे पति हैं, हमको उनसे कोई अलग नहीं कर सकता। हमको बेवकूफ समझती हो का? हम सच कह रहे हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम सच कह रही हो, तो चलो इस सच पे ना कोर्ट का मुहर लगा देते हैं। ना कि जुबानी बात का हम वैल्यू नहीं मानते हैं। कोर्ट में शपथ वाला कागज होता है ना, उसमें दस्तखत कर दो कि हम डॉक्टर बनते ही ऋषि को छोड़ के चले जाएंगे, फिर हम तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेंगे। और हम भी सच कह रहे हैं, उसके बाद ना
हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। चलो कोर्ट, वकील साहब को फोन कर देते हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.